जनपद नैनीताल के लालकुआं में जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट और लालकुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा द्वारा बिंदुखत्ता कोतवाली चौराहे पर स्थित मेडिकल स्टोर्स में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई। वहीं छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर में एनआरएक्स दवाइयों के क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। इसके साथ ही कई मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड मालिक नहीं मिले, जिसके तहत 3 मेडिकल स्टोर्स को मालिकों को नोटिस जारी किया गया। वहीं बता दें कि जैसे ही मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई तो अधिकांश मेडिकल स्टोर मालिक अपने मेडिकल स्टोर बंद करके फरार हो गए, जिसको लेकर जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें 5 दिनों में औषधि कार्यालय में अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। मेनली हमारे द्वारा जो भी दवाइयाँ नशे के रूप में मिसयूज़ हो रही है उस पे संबंधित सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स आदि देखे गए। इसमें कुछ मेडिकल स्टोरों में हमें एनआरएक्स की दवाइयाँ मिली, जिसका सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ मेडिकल स्टोर का मौके पर हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है, और जिन मेडिकल स्टोरों में मौके पर रिपोर्ट नहीं दिखाया है उनको 5 दिन का समय देते हुए उनसे स्पष्टीकरण परचेज में मांगते हुए लाइसेंस को उनके सस्पेंड करने की संस्तुति विभाग द्वारा की गई है।